शिवपुरी के काली माता मंदिर के पास मौजूद साहनी पेट्रोल पंप पर तथाकथित इंडियन ऑयल कंपनी के नाम से आए तीन लोगों द्वारा पेट्रोल पंप को सील करने की कोशिश की गई। वहीं पंप मालिक ने जब इन तथाकथित लोगों से पेट्रोल पंप सील करने का आदेश सहित इंडियन ऑयल कंपनी का आईडी प्रूफ मांगा तो ये लोग आईडी प्रूफ भी नहीं दिखा सके। वहीं पेट्रोल पंप मालिक द्वारा मौके पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने भी इन लोगों से कंपनी का आदेश दिखाने की बात की, लेकिन पुलिस को भी इन लोगों द्वारा कोई आदेश नहीं दिखाया गया। वहीं तीनों लोगों के खिलाफ पेट्रोल पंप संचालक ने देहात थाने में आवेदन दिया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयनदीप सिंह सानी है, मैं सानी फ्यूल्स का ओनर हूँ, प्रोपराइटर हूँ। मैं शिवपुरी में एक पंप संचालक हूँ। आज दिन में मेरे यहाँ पे अधिकारी आए और विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी लेटर वो आए और मेरे पंप को सील करने की बात करने लगा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस बेस पे आए हो, किस बेस पे आपने मेरा पंप सील करने पे आए हो? उन्होंने कहा आपने MDG का क्लॉज का वो वायलेशन किया है। उन्होंने बोला कि आप 5 लीटर मेजर से चेक करने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा मैं 5 लीटर मेजर से आपको चेक करने नहीं दूंगा, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है 5 लीटर से चेक करने का। 5 लीटर मेजर से चेक करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मापतोल अधिकारी को होता है, आपको नहीं होता। और अगर आपको चेक करना ही है 5 लीटर मेजर से, तो आप मेरे मेजर से चेक करें, खुद के मेजर से नहीं, जो मुझे मापतोल ने दिया है उससे मैं चेक कराऊंगा, आपको अधिकार नहीं। और मैंने इनको मेल भी किए हैं, आज 3 से 4 महीने हुए इनको मैं मेल कर रहा हूँ, और तो और मैंने 2 से 3 महीने हो गए इनकी शिकायत भी डाली हुई है CM हेल्पलाइन पे कि इन्होंने मुझे मानसिक प्रताड़ना दी है। ये 7 रुपये महंगा पेट्रोल है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, लीगली इसका कोई वो नहीं है, लाइसेंस नंबर नहीं है कंपनी के पास। मैंने कंपनी से मांगा मुझे इसका आईएएस नंबर दो। पेट्रोल डीजल का लीगल आईएएस नंबर है, लेकिन XP 95 का आईएएस नंबर नहीं है। ये लोग हमें फोर्स नहीं कर सकते। मैंने कहा साहब मैं इसकी सेल नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा, और कोई इसे लेता भी नहीं है, क्योंकि ये 7 रुपीज़ एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने मुझे धमकी दी, डराया कि हम आपका वो कर, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास, ठीक है। इनसे मैंने मांगा, उन्होंने कहा कि आपको ये पंप लेना पड़ेगा, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, आपको ही लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं ले पाऊंगा। दूसरा, ई लॉक का ये सेंसर लॉक जो आता है, सेंसर लॉक का जो ये लोग काट रहे हैं पैसा, ये गलत काट रहे हैं मेरा। 4 महीने से इनको मेल डाल रहा हूँ, ये लोग इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। इनको मैंने मेल डाला है कि आप मेरा पैसा नहीं काटे। कंट्रोल ऑर्डर जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के नियम है उसके हिसाब से, कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से ये गलत है। ये बाबत सुनिश्चित करेगा, परिवहन सुनिश्चित करेगा, मैं सुनिश्चित नहीं करूंगा। तो आज आपको बिना सूचित किए, बिना सूचित किए, बिना सूचित करे, और कोई अपना आई कार्ड भी नहीं दिया, कोई लीगल वे ये कहता है 6 से 7 दिन होते हैं, 6 से 7 दिन के अंदर ही इनको देना पड़ता है, उसके बाद ये लोग पंप सील कर सकते हैं ऐसे। और मेरा कोई फॉल्ट भी नहीं है, मेरे इतने बार इंस्पेक्शन हो चुके हैं, मेरा Q&Q में क्वालिटी एंड क्वांटिटी में मेरा पंप सबसे आगे है, रिकॉर्ड में मैंने सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अभी ही 18 तारीख को रिसेंट मेरा इंस्पेक्शन हुआ है, वो लोग मेरे सैंपल भी लेके गए हैं और सारा रिकॉर्ड मेरे पास था। तो क्या आपने कुछ कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की, मैं मेल में जवाब मांग रहा हूँ, मुझे मेल में जवाब दे ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो मुझसे जवाब देने से पहले फूड विभाग में जो उनका जो लेटर दिया हुआ है मैंने, उसका तो जवाब दे दें। मैं तो कितनी बार फूड ऑफिस में जाके मैं खुशबू मैडम से मिला हूँ, खुशबू मैडम से शिकायत करी है मैंने, खुशबू मैडम गवाह है इस बात की, मैंने तो शिकायत करी है।